भारी बारिश से पूरा पंजाब बेहाल है। लोगों के खेत खलिहान डूब चुके हैं, कई इलाकों में पानी भर गया है, गांव के गांव जलमग्न हैं। सीएम भगवंत मान लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अब उन्होंने पंजाब के लोगों को बड़ी राहत दे दी है, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूँ अंकिता। सोमवार को पंजाब में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा सीएम मान और सांसद राघव चड्ढा ने किया था। बाढ़ जैसे हालात के बीच अब भगवंत मान सरकार ने सभी जिलों को 33.50 करोड़ की राशि जारी की। राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने बताया कि ये रकम संभावित खतरे से निपटने और मानव जीवन, घरों और जानवरों की हानि को कम करने के लिए अग्रिम राशि के रूप में जारी की गई है। प्रदेश के सभी डीसी को हिदायत दी गई है कि राहत राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेथड के अनुसार संबंधित लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए, ताकि राहत राशि का दुरुपयोग ना हो सके। इस मुश्किल समय में सरकार आम लोगों के साथ खड़ी है। ये राशि सभी जिलों को भेज दी गई है। आपको बता दें कि जो राशि जारी की गई है उसमें अमृतसर को 1.50 करोड़, बठिंडा, बरनाला और फरीदकोट को 1-1 करोड़, फिरोजपुर और फाजिलका को 1.5 करोड़, फतेहगढ़ साहिब को 1 करोड़, गुरदासपुर को 1.5 करोड़, होशियारपुर को 1 करोड़ और जालंधर, कपूरथला और लुधियाना जिले को 2-2 करोड़ रुपए मिलेंगे। मोगा को 1.5 करोड़, मानसा, मालेर कोटला और पठानकोट को 1-1 करोड़, पटियाला को 2 करोड़ रुपए धनराशि दी गई है। रूपनगर जिले को 2.5 करोड़, मुक्तसर साहिब को 2 करोड़, एसबीएस नगर और मोहाली को 1 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। संगरूर को 1.5 करोड़ और तरन तारण को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो इसे लेकर आपकी क्या है राय, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।